माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल पर मैंने क्लिक किया और मैं एक पेज को इंसर्ट कर लेता हूं और मैं एक पेज को ले लेता हूं। जैसे मेरे पास एक पेज है और आज हम लोग सीखेंगे हेडर, हेडर एंड फुटर। तो हेडर मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाला को हम बोलते हैं हेडर और नीचे वाला को बोलते हैं फुटर। तो आप पेज में कुछ आप पेज नंबर टाइप कर सकते हैं, आप करेंट डेट टाइप कर सकते हैं। ऊपर इस जो बॉक्स बन रहा है दोस्तों, इसमें तीन को बॉक्स बन रहा है, इसमें अलग अलग कुछ ना कुछ आप इसमें टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। करेंट टाइम, करेंट डेट, पेज नंबर, ये सब टोटल चीज़ आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया और हेडर मतलब ऊपर, अभी मैं लगा रहा पेज वन, इसको देखिए पेज वन के नाम से यहाँ पर आपको आ गया। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर क्लिक रखते हुए अगर आप डिजाइन में जाते हैं तो यहाँ पर फिर वो चीज़ आएगा और आपको इसमें से जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं, तो नन भी कर सकते हैं। फिर मैंने इस पर क्लिक किया और फिर मैं डिजाइन में गया और इसमें से फिर यहाँ आपको कुछ ना कुछ इसमें से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, टू नंबर मैंने दिया इस तरह से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग अब फुटर, फुटर मतलब क्या होता है देखिए, हेडर मतलब क्या होता है, ऊपर में कोई आप पेज नंबर आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो तीन पेज में, जैसे मेरे पास सीट वन, ठीक है, यहाँ पर आप मेरे पास इस सब को मैं करता हूँ डिलीट। तो आपको मैं बताता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 100%। इससे क्या होगा कि देखिए मेरे पास क्या है, दो पेज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक किया और डिजाइन में मैंने गया और हेडर में मैंने लगाया पेज वन। ठीक है, पेज वन इसमें लगाया, तो देखिए पेज टू इसमें भी लग गया, जितना भी पेज आपको है सब में आपको लग जाता है टोटल। और यहाँ पर आपको देखिएगा, मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस का स्क्रॉलिंग बटन प्रेस कर रहा हूँ तो जो शीट वन में जितना पेज है सब यहाँ पर आपको शो कर रहा है शीट वन में। ठीक है, शीट टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके माउस को घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको शीट एक ही पेज टाइप हुआ है। आप इस तरह से यहाँ से भी देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा नीचे तो आपका पेज सब अलग अलग आपको डिवाइड होकर दिखलाएगा। शीट वन में हम लोग हैं, अब हम इसको कर देते हैं बड़ा। ठीक है, तो कैसे किए, कंट्रोल एक हाथ से प्रेस किए और माउस का स्क्रॉलिंग बटन को गोले गोले घुमा रहे हैं। इसमें देखिए तीन गो सेल नज़र आ रहा है, इसमें अलग अलग आप चीज़ इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं फुटर लगाएंगे नीचे, तो देखिए फुटर वाला पे क्लिक करते हैं तो आपको, तो देखिए फुटर का देखिए नीचे आपको आ गया, देखिए फुटर आपको नीचे लग गया, देखिए नीचे। अब हेडर लगता है पेज के ऊपर, देखिए ऊपर ये लग गया और नीचे ये लग गया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं चलते हैं डिजाइन में। आप देखिए यहाँ पर लगाएंगे पेज नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लिक कीजिएगा तो पेज नंबर यहाँ पर लग गया एक, इस पर क्लिक करके बाहर क्लिक कीजिएगा तो पेज नंबर इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, पेज नंबर इसको रखते हैं। ठीक है, अब इस पर क्लिक किए, अब देखिए नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितना पेज है। देखिए आपको दो पेज है, टोटल दो पेज में आप काम कर रहे हैं, काम किए हुए हैं। देखिए दो पेज में आपको यहाँ पर काम किए हुए हैं, देखिए दो पेज में। तो ये आपको यहाँ पर जो डिजाइन में आपको दिखलाता है कि नंबर ऑफ पेजेस, कितना पेज आपको है। तो दो पेज मेरे पास इंसर्ट है और मेरे पास वन पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, वन पेज पे ही मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको टू पेज पर है, ठीक है, टू पेज पर ये आपको मार्कशीट है। ठीक है दोस्तों, ये इसको मैं जूम करता हूँ, टू पेज मार्कशीट है और टोटल टू पेज में ही इंसर्ट मैंने किया है, टू पेज ही मैं काम कर रहा हूँ। अब इसमें आते हैं, अब यहाँ पर अलग अलग आप चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्लिक किए, अब हमको लगाना है करेंट डेट, इस पर क्लिक कीजिएगा और कहीं बाहर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करके और कहीं बाहर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको करेंट डेट आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर करेंट डेट। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, पेज के चारों तरफ है, ऊपर नीचे कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अभी देखिए नीचे अभी मेरे पास जगह है, देखिए नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर तो हम लोग डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन पर सब आता है और करेंट डेट लगा दिए तो करेंट टाइम भी इसमें लगाएंगे। आप कहीं बाहर क्लिक कीजिएगा देखिए टाइम आपको लग गया। फिर इसको आप हम इसको हटा भी सकते हैं बैक स्पेस से और उसमें कुछ और
लगा सकते हो, फाइल पैच, फाइल नेम, इसमें सीट नेम, सीट नेम भी आप लगा सकते हो, सीट वन है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक की, इस बार क्लिक कीजिएगा तब आपको डिजाइन वाला नहीं शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तब आपको डिजाइन टो होगा। इस पर आपके पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करें, क्लिक किया, अगर हमारे पास नेट नेट कनेक्ट होगा तो ये आपको ऑनलाइन ऑनलाइन शो करेगा, नेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो ऑफलाइन शो करेगा। तो मैं यहाँ से पिक्चर एक ले आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गया और मैं यहाँ पर ये गया, एक पिक्चर को मैंने ले लेता हूँ, कोई पिक्चर को, जैसे मैंने पिक्चर को ले लिया और यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए पिक्चर आपको शो कर दिया। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा पिक्चर आ गया। तो इस पर क्लिक करेंगे इसी पर, और क्लिक करके फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं, इतना ओके करेंगे, देखिए कुछ छोटा हुआ। फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर छोटा, आपको जितना छोटा चाहिए आप यहाँ से छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको और छोटा चाहिए तो यहाँ पर देखिए पिक्चर फॉर्मेट में आपको जाना है, और यहाँ पर ऐसे क्लिक करते जाइए और वो ओके कीजिएगा तो ये छोटा अपने आप खुद खुद हो, देखिए इतना छोटा हो गया, इसी में आके आपको फिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग पिक्चर का यूज करते हैं और इसको आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और हमारे पास कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, नेक्स्ट इंसर्ट में जाएंगे। ये तो पिक्चर हो ही गया, और देख लेते हैं, पिक्चर हो गया, उसके बाद आपको क्या है, गो पिक्चर फॉर्मेट हो ही गया, मैं अभी बताया आपको, गो टू हेडर, गो टू हेडर, यानी कि गो टू हेडर, जैसे नीचे आप कोई आप हेडर लगाए हैं, जैसे नीचे मैंने जैसे कुछ आपको मैं लगा देता हूँ तो आपको पता चलेगा, जैसे कि मैं नीचे कुछ एक हेडर जैसे अभी मैंने लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए गो टू हेडर। ठीक है, तो यानी कि आपको फिर गो टू हेडर, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे आपको ये आपको करेगा, इसमें जाना चाहते हैं कि इसमें जाना चाहते हैं, अगर हटाना चाहते हैं इस पर क्लिक करके बैक स्पेस मारिए तो आपको हट जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको डिफरेंट पेज, ठीक, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट इवन पेज, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो टोटल में चीज़ को आपको मैंने बता दिया दोस्तों, आई होप